शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी को मजानों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए बाजारों के सितारे के अंदर शेयर बाजार का अपडेट, कम्युनिटी बाजार का अपडेट और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण आपका राशिफल, जो आपको बताता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, पैसा कितना रहेगा, नुकसान कितना होगा, ये सब जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत राशिफल से ही करेंगे और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, सीईओ अजय अस्टोमानी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल की तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। होली के रंग आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लेके आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहे, आनंदित होते रहे और आपकी सारी समस्याएं होलिका दहन के अंदर सुहाव हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, आज के एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको कुछ चंद यादें भी आपसे शेयर करनी है और आगे क्या होगा कमोडिटीज के अंदर, इसमें भी चर्चा होगी। बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन आप सुनिएगा। आज होली के शुभ और पावन अवसर पर हम आपको बहुत सी कुछ ऐसी आगे की भविष्यवाणियों भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। गौरतलब है कि पूरी सृष्टि में चाहे आपका व्यापार हो या व्यवहार हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपको लेन देन करना हो, चाहे व्यापारिक हो या पारिवारिक हो, इसमें इन तत्वों का बहुत महत्व होता है। महत्व इसलिए है कि आपने देखा होगा कुछ लोग आपको बेहद पसंद आते हैं जबकि इन्होंने कोई भला आपका नहीं किया होता है, और कुछ लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते जबकि इन बेचारों ने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ग्राहक आपको के पास आते हैं और आप उनको बहुत कम दामों के अंदर अच्छी चीजें दे देते हैं और वो ग्राहक भी आपकी बात मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का नाम का माल या बहुत कम दामों में भी देने को भी तैयार होते हैं, तो लेकिन वो व्यक्ति हमेशा आपसे नकारात्मक बात ही कर रहा होता है। ऐसा क्यों? ये है बैलेंसिंग ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्वों का समायोजन। यानी अग्नि तत्व का व्यक्ति कभी भी जल तत्व के व्यक्तियों से या जल तत्व का व्यक्ति अग्नि तत्व की व्यक्तियों से बिल्कुल मिसमैच करेगा। वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा तो वो निश्चित रूप से उसको भी क्रेडिट नहीं देगा, और जबकि अग्नि और वायु का संबंध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति हाथ में डाल के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, या व्यापारी एक साथ बैठ के एक टेबल पर बैठ के अरबों रुपए का व्यापार कर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो यदि बैलेंसिंग और मैचिंग ऑफ द एलिमेंट यदि आपने कर लिया, चाहे व्यापार हो या व्यवसाय हो चाहे नौकरी पेशा हो, तो आप निश्चित रूप से सफलता अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावना है। विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां जो है बहुत लालायित करती हैं, मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, क्योंकि वृषभ राशि का चंद्रमा निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति पूरा जग जीत लेता है बात से ही। कन्या का यदि बुध हो किसी के, तो निश्चित रूप से उसकी चतुराई बीरबल जैसी हो जाती है और उसको जीत पाना लगभग असंभव होता है, और मकर की तलवार के सामने तो पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व के अंदर सबसे अधिक विशेषताएं वाली राशियां हैं ये। आज आपके लिए दिन मुफीद शायद ना रहे, विशेष ख्याल रखिए 12 से 1 बजे के बीच। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये तीनों राशियां ही बहुत शानदार हैं,
क्योंकि मिथुन मरकरी यानी बुध, तुला शुक्र और शनि कुंभ राशि, यानी बुध शुक्र और शनि इसी का मुफीद हो और उसकी दशाएं भी उसको सही समय पे मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति अर्श से फर्श की तरफ, फर्श से अर्श की तरफ चले जाते हैं, आसमान छू लेते हैं। गौरतलब है कि इन तीनों ही ग्रहों की लंबी दशाएं आती हैं, तो ज्यादातर उद्योगपति, सफल व्यवसायी, सफल कारोबारी इन तीन ग्रहों की दशाओं में ही पनपते, आकाश को छूते हुए देखे गए हैं। 4-8-12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। दोस्तों, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2-3 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण, अप्रैल मई के बाद आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। जो अभी परेशानी आ रही है वो सारी दूर हो सकती है इस होलिका दहन में। बिल्कुल मत घबराइए, डटे रहिए, आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी वर्ष हो सकता है ये 2022-23। याद रखिएगा मेरी बात, 4-8-12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट इस साल आने की संभावना है। ये अखिलेश जी। जी कनल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से, अगर आप कम्युनिटी बाजार की, तो एग्री कम्युनिटीज में मसालों में धनिया में आपको क्या लगता है? धनिए में हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं अभी कुछ घटी हैं, तो क्या अब कुछ बढ़ने की भी संभावना नजर आ रही है या फिर जो धनिया का बाजार है ऐसे ही सुस्त वाला बना रहेगा अभी? देखिए, धनिए के ऊपर मैं काफी लगातार आपको मसाले के ऊपर अपडेट देता हूँ और धनिए के अंदर वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, लेकिन जो हाजिर के व्यापारी हैं, हाजिर के कारोबारी हैं, उनको धनिए में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव जब तक व्यापार में नहीं आएगा वो व्यापार ही नहीं चलाएगा। लेकिन जो कारोबारी अपनी क्षमताओं के आधार पर काम कर रहे हैं, अपनी ताकत के हिसाब से काम कर रहे हैं, समझ के काम कर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो टाइम पे मुनाफा वसूल करें, अपना तेजी और तेजी का हुई या मंदी का, उन्हें धनिया के फंडामेंटल से कोई असर नहीं होता है। और बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एनसीडीएक्स को एज ए हेजिंग टूल स्मार्ट करते हैं। ज्यादातर कारोबारी जो है वो एनसीडीएक्स के अंदर माल लेते हैं, 1-2 घंटे, 6 घंटे के अंदर माल भेज देते हैं और बहुत कम संख्या में ऐसे जो है वो 2 महीने के लिए रख सकते हैं। जो 2-3 महीने के हिसाब से देख रहे हैं उनको धनिया रख लेना चाहिए और धनिया में आज तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अतिरिक्त सरसों के ऊपर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, अखिलेश जी यदि आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है रबी की ऑयल सीड्स में, और सरसों के ऊपर जो अलग अलग एजेंसी, अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमूमन सरसों का जो पैदावार है वो 100 लाख टन से 110 से 115 लाख टन के बीच में बताई जा रही है। और ये भी गौरतलब है कि हमने चर्चा पहले भी की थी सरसों के ऊपर और 24% की सरसों की अधिक बिजाई की भी बात हुई थी, और चूंकि पिछले साल सरसों में तेजी के रिकॉर्ड तोड़े थे और ये 8,200 भी अभी फरवरी के महीने में भी इसने देखी थी, तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऑयल सीड हो, ये क्या फसलों की पैदावार पे ही सारा बाजार का रुख निर्धारित होता है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सितंबर के महीने के अंदर 119 लाख टन सोयाबीन की का पैदावार की सोपा ने खबर दी थी। भारतीय सरकार ने भी सोयाबीन के ऊपर अच्छी फसल की बात कही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि बुरी तरह से अच्छी शानदार फसल होने के बावजूद सोयाबीन के भाव बहुत नीचे गिरे, और जबको हमने मार्केट टाइम्स टीवी पे अखिलेश जी आप ही के साथ इंटरव्यू करते हुए कहा था कि इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, इसके अंदर नहीं होगा गिरावट, और वही हुआ कि जिन्होंने माल नहीं खरीदा वो परेशानी में हुए। और दूसरा मैं उदाहरण आपको एक और देना चाहता हूँ, दूसरा उदाहरण ये है कि अभी आप कॉटन के ऊपर देखें, वही रबी की फसल थी,
3,61,00,000 गांठों का बेल्स का कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने CCI ने अपना वक्तव्य जारी किया था। अब बहुत शानदार फसल के अनुमान लगाया गया था। सारी जितनी भी एसोसिएशन हैं कॉटन की या कॉटन सीड ऑयल की या कॉटन सीड ऑयल केक की या ब्रोकर्स की, इन्होंने सबने एक मत में कहा था कि बहुत अच्छी फसल आ रही है और भाव गिर जाएंगे। आप देखें जबकि हमने विरोध करते हुए कहा था कि हम इससे सहमत नहीं है, इसके अंदर तेजी बनेगी अच्छी फसल के बावजूद भी, और आज आप देखिए लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ एक सुर के अंदर सोया के ऊपर और कॉटन सीड के ऊपर और कॉटन पर अपने लंबे चौड़े बातें कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब फसल अच्छी है तो फिर इन दो सबसे बड़ी फसलों के अंदर तेजी क्यों आई। इसके अलावा आपको याद होगा आज से लगभग 40-45 दिन पहले NCDX के ऊपर जब सरकार ने सोयाबीन की ट्रेडिंग पे या पाम ऑयल पे और सोया रिफाइंड पे रोक लगाई थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि धैर्य रखिए इससे कुछ नहीं होने वाला, और वही सोया तेल जो 120 रुपए बिक रहा था वो 1600 से ऊपर का बिका। तो पॉइंट ये है कि क्या फसल की अच्छी फसल गिरावट की तरफ इशारा करती है, क्या फसल की कमी गिरावट की तरफ इशारा करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कि इसके दूसरे फैक्टर्स जब तक आप नजर में नहीं रखेंगे आप सही आकलन और विश्लेषण नहीं लगा पाएंगे। यही मेरा सरसों के उत्पादक यानी किसानों को कहना है। सरसों को एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्ट यूज करते हैं मिलर्स जो हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं और उपभोक्ताओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि फसल अच्छी होना या फसल खराब होना एक फैक्टर है सिर्फ, और बाकी फैक्टर्स को हम समायोजित नहीं करेंगे उसके ऊपर नतीजा नहीं आ सकता है। लेकिन क्योंकि आज होली का शुभ अवसर है और हमेशा से ही मैं आपको होली है, दिवाली है, नववर्ष है, आपको कुछ विशेष आप सोचना है, विशेष विश्लेषण आप दर्शकों के लिए लेके आता हूं। सरसों के अंदर आने वाले 10-12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान से सुनिए। सरसों के आगे वाले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर सरसों की पिटाई हो सकती है, सरसों के भावों में गिरावट हो सकती है, और 20 दिन पहले के भाव, फरवरी के भाव अभी मुश्किल लग रहे हैं। तो सावधान रहें, जिन्होंने बहुत बड़ा स्टॉक करना है, जिन्होंने सरसों की बिकवाली करनी है, उनको सरसों की खरीदारी करनी है, तो आने वाले 8 से 10-12 दिन सरसों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ पर गिरावट की संभावना है। जी कन्हैया जी, इसी के साथ सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन में भी गिरावट आने वाली है? क्योंकि हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है कि विदेशों में खाद्य तेल तिलहनों में कुछ गिरावट दर्ज हुई है, तो क्या उसका असर अब भारतीय सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जो ग्रह स्थिति बन रही है साथ साथ में फंडामेंटल नजर आ रहे हैं, और आपको याद होगा कि हमने लगभग एक सप्ताह पहले, लगभग 8 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी, उसको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है, जो वॉर चल रहा है लगभग 22 दिन से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में परेशानियां हैं, और ये भी एक गौरतलब है कि नीटो है या अमेरिका है या यूरोपीय संघ है, ये चाहकर भी कुछ भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे गए हैं, राजनीतिक प्रतिबंध लग गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी रूस को कुछ फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। और इसको देखते हुए इससे ये सारी चीजें इससे पहले मार्केट टाइम्स में हमने लगभग 8 दिन पहले एक विशेष विश्लेषण किया था और आपको कहा था कि नोट करो आज का दिन तारीख और समय कि 20 तारीख के आसपास रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता होने की कुछ प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। और ये पुनः मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आज 16 तारीख है और अगले 3-4 दिन छुट्टी के हैं, कल धुलंडी हो जाएगी, फिर शनिवार से रविवार, सोमवार को बाजार खुलेंगे। अब
तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सोम मंगलवार जो अगला सप्ताह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन के ऊपर एक निर्णायक मोड आने वाला है, ऐसी संभावना है। इसका असर बाजारों पर पड़ेगा क्योंकि जब युद्ध की जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर कुछ बात होती है, जियो इकोनॉमिकल टेंशन पे बात होती है, तो उसका असर जब बाजारों में तेजी पर पड़ता है तो उसके तो उस, जब उस, वो उसमें कुछ निर्णायक मोड़ आता है तो उसके बाद गिरावट भी हो सकती है। तो जो भी कारोबारी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए ये एक विशेष सूचना है, विशेष विश्लेषण है। याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से आपको अग्रिम आगाह करती है, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो, चाहे कोरोना का खात्मा हो, चाहे सोयाबीन की तेजी हो, या कॉटन कपास की तेजी हो, या कपास खली की तेजी हो, या गवार सीड के ऊपर तेजी मंदी हो, इस पर हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर रोज कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष विश्लेषण लेके आए ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सके। तो सोयाबीन के अंदर भी मुनाफा वसूल करने में भलाई है, ये प्लेटी। जी कनरजय जी, इसी के साथ कनरजय जी, मसालों में जीरे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने जीरे में भी कुछ नरमी आते हुए देखी है, तो क्या अभी जैसे मार्च का महीना आवकों का महीना रहता है जीरे की नई अराइवल्स का, तो क्या उसकी वजह से कुछ गिरावट आ सकती है या फिर जीरे में आगे जाके इन फ्यूचर भविष्य में तेजी भी दर्ज होगी? देखो, जीरे के फंडामेंटल बहुत मजबूत है। राजस्थान और गुजरात की जो खबर है उसके मुताबिक जीरे का पैदावार में काफी फर्क है, और जीरे के अंदर ये भी है कि पिछले यानी 7-8 साल का भी हमने एक आपको पूरा विश्लेषण दिया था और उसमें यही कहा था कि पिछले 2 साल के अंदर जीरे के अंदर, इस साल और पिछले साल की जीरे के अंदर कुछ उत्पादन में कमी है, लेकिन उससे पहले के जो 5 साल थे वो जीरे के अंदर बेहताशा उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि थी, और लगभग 5 साल जो है वो जबरदस्त उत्पादन जीरे का लेके आए थे। लेकिन पिछले साल भी जीरे का उत्पादन कम था, इस साल भी जीरे का उत्पादन कम होने की संभावना है, तो इसका असर बाजारों पे पड़ेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो या गुजरात हो। गुजरात और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जो जीरे का अधिकतम उत्पादन करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही जियो पॉलिटिकल टेंशन के अंदर कुछ समाधान निकलता है तो उसके बाद इसका जीरे के अंदर भी तेजी की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये क्लियर जी कनरजय जी। इसी के साथ कनरजय जी, बात करें यहाँ से अगर आप कपास खली की, बिनौला खल की, तो कपास खली में आपको क्या लगता है, क्योंकि कपास खली में इस बार थोड़ा उल्टा सीन बनता नजर आ रहा है। वायदा में कीमतें थोड़ी कम हैं हाजिर के मुकाबले, अगर हाजिर में की बात है तो हाजिर में 3400-3500 तक भाव जा रहा है बिनौला खल का, वहीं वायदा में 3100 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, बल्कि आज 3000 पर ही ट्रेड कर रहा है बिनौला खल का वायदा NCDX पर। ऐसे में कनरजय जी, आपको क्या लगता है, पहले जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा था कि 3000 से 4000 तक का रेट देखने को मिल सकता है, तो क्या वो रेट्स अभी भी मुमकिन है, क्या वो प्राइसेस अभी भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर बिनौला खल जिस रेट पर अभी है, जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है, वहीं तक सिमट के रह जाएगा वायदा बाजारों में? देखिए, कपास खली के ऊपर जब 3450 के आसपास का रेट था NCDX पर, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि 3450 साठ ही है, दिस इज अ परफेक्ट लेवल फॉर सेलिंग, इसके अंदर एक ये एक अच्छा स्तर है, इसको बेचना चाहिए क्योंकि उसके बाद गिरावट आ सकती है। लगभग 8-10% की गिरावट इसमें दर्ज हो गई है, जो 11-12% के जिस लेवल्स होते हैं उस लेवल के हिसाब से ये तकरीबन पहुंच चुका है, तो इस लोअर लेवल के ऊपर खरीदारी बन सकती है। लेकिन कपास खली के अंदर ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऑयल चीज के जो बाकी खली हैं, बाकी डीओसीज वगैरह हैं, चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन है, इसके अंदर भी इसकी तेजी मंदी का भी कुछ आंशिक प्रभाव कपास खली पर पड़ता है, क्योंकि कपास खली जो कॉटन सीड ऑयल की है एक महत्वपूर्ण, ये तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि पशु जो है कपास खली को सबसे अधिक चावते उसका खाते हैं एज कम्पेयर टू उस बाकी दूसरी खली के, क्योंकि लेकिन ये भी निश्चित होता है क्योंकि जब एक सीमा से अधिक दाम बढ़ जाते हैं तो अल्टरनेट की तरफ बाकी चीजें उसमें मिक्सिंग होने लगती है, या फिर वो अल्टरनेट उसका इस्तेमाल होने लगता है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे दूसरी खली हो, तो उसके अंदर प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि
कपास खलील की जो तेजी रही थी वो कपास के डायरेक्ट थी और कपास के अंदर किसानों ने माल रोक के बेचा, इससे भी कपास मिनोला खलकी के अंदर तेजी बनी और उसका असर कपास खली पे पड़ा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस बार जो कॉटन की जो अराइवल थी वो अच्छी क्वालिटी की बहुत कम थी। लगभग हर साल नॉर्मल ये रहता था कि कॉटन के, देखिए बहुत टेक्निकल पॉइंट मैं बता रहा हूँ दर्शकों के लिए, आप समझिएगा कि हर साल कॉटन के अंदर लगभग 70-75% अच्छी क्वालिटी का माल आता था और 15-20% वो आपका हल्का माल होता था। लेकिन इस बार जो विपरीत हुआ, विपरीत का मतलब जो गुलाबी सुंडा या जो पिंक बॉम की जो परेशानी रही कपास की, उसके अंदर कपास का दागी माल अधिक हुआ और अच्छी क्वालिटी का माल कम निकला। अब कम निकलने का कैसे ये हुआ कि जो 75-80% अच्छा माल निकलता था आज इस बार उल्टा हो गया, लगभग 60-70% दागी माल हुआ और अच्छी क्वालिटी का माल 25-30% ही रह गया। इसकी वजह से कपास की दामों के अंदर जबरदस्त तेजी आई। अब पॉइंट ये है कि चाहे दागी माल हो या अच्छा माल हो, उसमें कॉटन सीड तो निकलेगा ही निकलेगा, उसमें उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कॉटन जो ए ग्रेड बी ग्रेड की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, उसकी शॉर्टेज हो गई और उससे उसके दाम लगातार बढ़ गए, चाहे स्पिनिंग में ना हो या दूसरे दूसरा जो अच्छी क्वालिटी का कपास जहां यूज होता है। लेकिन जो दागी माल था वो बाजारों में तो आएगा क्योंकि उसकी उसकी डिमांड उससे तेजी से कोई बहुत ज्यादा उसका कोई फर्क है नहीं। तो कपास खली का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है कॉटन सीड ऑयल, वो कॉटन सीड, कॉटन सीड यानी बिनोला, वो बिनोले के अंदर कोई बहुत बड़ी कमी की संभावना अब नहीं बनेगी। तो इन इस चीज को देखते हुए फर्क आ गया, लोगों ने जो कॉटन की तेजी का को कंपेयर करना चालू किया कॉटन सीड ऑयल से, कॉटन सीड खल से, तो वो दोनों चीजों में परिवर्तन है। आज अभी भी कॉटन के अंदर क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का माल है वो किसानों ने रोक के रखा हुआ है और वो जो रोका हुआ माल है उसके वो क्वांटिटी की वजह से ही इसमें डिस्पैरिटी जा रही है। तो कुल मिला के कॉटन सीड ऑयल केक जो है इसके अंदर कोई बड़ी मंदी की संभावना कम है। लेकिन ये भी एक पॉइंट जो जरूर है जो नोट करने वाला है कि आप इसको असीमित तेजी में नहीं जोड़ें। अभी असीमित तेजी के अंदर अनएक्सपेक्टेड बाउंस देखें तो फिर वो गलत हो जाएगा। अपना नॉर्मल बाउंस देखें, जो तिजारत की बात होती है, कारोबार की बात होती है, खरीदने बेचने की बात होती है, अपना उचित मुनाफा मिला है उन्हें उचित मुनाफा ले लीजिए। जी कनर जी, इसी के साथ कनर जी बात करें यहाँ से अगर आप नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में सोने चांदी में हमने काफी ज्यादा उठापटक देखी है, रिकॉर्ड हाई को फिर से टच करते करते कीमतें रह गई थी, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट की, फिर वहां से कीमतें देख रहे हैं कि नीचे डाउन जाती हुई नजर आई हैं, आज कुछ हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अभी भी फिर फेडरल रिजर्व बैंक ने यहां से अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है, तो इन सब के मद्देनजर अब सोने चांदी का जो बाजार है वो कैसा रहने वाला है और फेडरल रिजर्व बैंक ने जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसका असर सोने चांदी की कीमतों पर नकारात्मक रहेगा या सकारात्मक? देखिए फेड का जो निर्णय आया है कि वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि जो यूएस डाटा यूएस फेड ने जो रिलीज किए थे उन्होंने पहले से ही पिछली मीटिंग के अंदर यही कहा था कि हमें महंगाई को काबू करने के लिए, इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ब्याज दरों में हमें परिवर्तन करना अवश्यंभावी है और वो था और बाजार ने उसको डिस्काउंट भी किया है उसको कि इसके अंदर कोई काफी उसको प्रचलित था। और जहां तक गोल्ड और सिल्वर का बात है कि लगभग एक महीने के अंदर 6-7% की जो याफा गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ ने दिया है वो एक बहुत शानदार रिटर्न है जो पहले कभी भी देखने को आसानी से नहीं मिला था। तो जहां तक आज का सवाल है, मुझे लगता है कि आज सोने और चांदी के अंदर तेजी बन सकती है, लेकिन मुनाफा वसूल टाइम पे कर लेना छोटे अवधि के कारोबारों के लिए हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि मैं हमेशा दो चीज कस्टमर्स को कहता हूँ और अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी निवेश करें, तो पहले ये डिसाइड कर लें कि उसकी अवधि क्या होगी। यदि आप छोटी अवधि के लिए काम कर रहे हैं तो आपको मुनाफा मिलता है, ले लीजिए। और यदि लंबी अवधि के लिए आप काम करना चाहते हैं तो जब बाजार गिरे तब खरीदिए।
तेजी वाले बाजारों में कभी खरीदारी मत करिए यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। ये एक थंब रूल है, ये एक बेसिक रूल है कि मंदी में खरीदो और टुकड़ों में खरीदो। मान लो आपको 100 ग्राम सोना खरीदना है तो आप 100 ग्राम या 1 किलो सोना खरीदना है या 10 किलो सोना खरीदना है या 100 किलो खरीदना है, जो भी आप कंपनी में आकर खरीदना चाहते हो, तो उस सोने को जब बाजारों में गिरावट आ रही है तो उसके अंदर 3 से 4 टुकड़ों में खरीदो। मान लो आपको 500 ग्राम खरीदना है तो 150 ग्राम करके तीन बार खरीदो तो, और गिरावट में खरीदो और उसके बाद में फिर उसके ऊपर धैर्य से उसको रोको और जब ऊपर आ जाता है तो फिर 150 ग्राम करके आप उसको आगे बेचो। तो पॉइंट ये है कि टुकड़ों में खरीदना है और टुकड़ों पे बेचना है, तब तो वो निवेशक जो है वो हमेशा जीत जाएगा। और वो बुलियन का या एमसीएक्स के ऊपर या कॉमेक्स के ऊपर या 10 लाख 20 लाख 25 लाख करेगा कि अब सुबह मुझे है ना 2 लाख मिल जाएंगे या 5 लाख मिल जाएंगे या 10 लाख मिल जाएंगे, तो ऐसे व्यापारी अक्सर धोखा खाते हैं। छोटी अवधि के अंदर ट्रेड करना है, मुनाफा मिलता है, आप तुरंत आप निकलो, आपका स्टॉप लॉस जाता है तुरंत बाहर निकलो, तब आप कामयाब रहेंगे, अन्यथा नहीं रह सकते। ये अकेले जी जी कन्हैया जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि $100 के नीचे फिसल चुका है अब, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से रशिया और भारत के बीच बात चल रही है डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने की रशिया से, तो क्या कच्चा तेल अभी और नीचे जा सकता है, क्या कच्चे तेल में अभी और गिरावट आएगी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने अखिल जी पूछा है दर्शकों के लिए। मैं आपको हमेशा साधुवाद इसलिए कहता हूँ कि आप वो सवाल पूछते हैं जिससे दर्शकों को हमेशा से फायदा हुआ है। और कच्चे तेल के ऊपर जहाँ तक सवाल है कि भारत जो रशिया से एक बहुत इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तेल की इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत रूस से अपनी मुद्रा में ट्रेड करेगा, यानी रूबल और रूपी के बीच के का ट्रेडिंग हो जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्यथा होता यह है कि कच्चा तेल आप कहीं से भी खरीदो उसकी पेमेंट आपको डॉलर में करनी पड़ती है, यूएस डॉलर में, अतः यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट बेस करेंसी हो जाता है और उसमें उसकी तेजी मंदी का फर्क भी उसके बाजारों पर पड़ने लगता है। यदि भारतीय रुपया की पेमेंट रूबल के हिसाब से होगी तो इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और कहते हैं कि लड़ाई जो है या वॉर है या कंफ्लिक्ट है उसके अंदर बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी भी बन जाती हैं, कुछ अवसर भी बन जाते हैं और कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे वीट है, गेहूं रशिया 3 करोड़ टन से ज्यादा उत्पादन करने वाला वर्ष विश्व का पहला नंबर का खिलाड़ी है। रशिया के टेंशन होते ही ऑस्ट्रेलिया और इंडियन वीट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई, जो वीट आपका जो गेहूं यहाँ पे 1800 रुपए में परेशानी आती आज 2400-2500 रुपए से ऊपर का दिखा। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से अभी रशिया और इंडिया का संबंध बन जाता है और पेमेंट हमें रुपी में करना पड़ता है, तो ये भारतीय करेंसी के लिए एक शुभ संकेत है। यद्यपि रशिया और भारत का जो सी रूट है वो पार थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन रुपया का अभी एक्सेप्टेंस है तो हमें इसका फायदा मिलेगा। अब रहा सवाल ये है कि क्रूड ऑयल के ऊपर आपका जो बेसिक सवाल था कि क्रूड ऑयल की तेजी मंदी क्या कहती है, देखिए 2-3 दिन की छुट्टी होगी लेकिन उसके बाद में अगला सप्ताह दर्शकों नोट करिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज जो है 17 जुलाई 2022, आने वाले लगभग एक हफ्ता के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर $3 से $5 की कमी की संभावनाएं मुझे लग रही है। जी अखिलेश जी जी कन्हैया जी, इसी के साथ कन्हैया जी बात करें यहाँ से अगर अब शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में अब क्या माहौल रह सकता है शेयर बाजार का, अब ये जो फेड की जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर कितना रहेगा और कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट अब कैसी देखने को मिल सक पाएगी? देखिए भारतीय शेयर बाजार से अक्टूबर 2021 से विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च लगातार 6 महीने से लगातार इन्होंने नेट सेलिंग की है। और अब जो
सभी फ्रंटलाइन स्टॉक थे जो विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की पहली पसंद होती थी, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे HDFC हो, जो फ्रंटलाइन स्टॉक थे, रिलायंस हो, ये सब जो स्टॉक थे वो टेक्निकली करेक्शन में आ चुके हैं और ये बहुत आकर्षक वैल्यूएशन के ऊपर उपलब्ध हैं। अब जैसे ही बाजारों के अंदर सुधरात होगी और विदेशी संस्थागत निवेशक दोबारा भारतीय बाजारों में इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे तो जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा? क्योंकि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी नीचे है। ये 77 रुपए को भी क्रॉस कर गया था, अभी 76 और 77 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। ऐसा आकर्षक वैल्यू क्योंकि भारतीय रुपया कमजोरी में है, अभी इन्होंने निवेश किया तो करेंसी का जब धीरे धीरे एप्रिसिएशन होगा उस वक्त के हिसाब से इनको भी फायदा रहेगा। जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वो अभी अपनी वैल्यूएशन बहुत शानदार दे रहे हैं, तो उस समय ये खरीदने का एक सुंदर अवसर होगा। तो मुझे जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर एटीज होगा तो विदेशी संस्थागत निवेशक भारत की तरफ करेंगे और वो उनका रुख करने का मतलब ये है कि उसके अंदर तेजी। तो आप पूर्वक अच्छी को किस पता को याद होगा, हमने HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC इनके ऊपर आपको पहले भी कहा था, हमने कहा था सीमेंट स्टॉक देखो, केमिकल स्टॉक देखो, ऑयल एंड गैस स्टॉक देखो, बैंकिंग स्टॉक देखो। अब जब जैसे ही बाजार में हल्का सा ग्रीन आएगा तो इसके अंदर आपको वो मिलेगा। अब आप देखें कि मारुति के ऊपर हमने चर्चा की थी, HDFC बैंक पे, ICICI में, ये सारे बहुत शानदार चले। इसके अलावा आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि जैसी लड़ाई चालू हुई, क्योंकि भारत यूक्रेन और रशिया से जो फर्टिलाइजर कार्बोहाइड्रेट है वो वहां से आता है, तो उसकी वजह से सारे आपके फर्टिलाइजर स्टॉक चले। तो आप फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर कमजोरी आ सकती है जैसे लड़ाई थमती है, तो इसका विशेष ख्याल रखें। लेकिन आपके जितने जो फंडामेंटल स्टॉक्स मैंने आपको बताए इनके ऊपर आप नजर रखें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने की पूरी संभावना बनेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी क्षमताओं से बढ़कर कभी मत काम कीजिएगा और माल खरीदने के साथ मुनाफा मिलने पर बेचने का भी ख्याल रखिएगा। और याद रखिएगा साथ जैसे शरीर को चलाने के लिए साथ लेना और साथ छोड़ना दोनों महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार व्यापार के अंदर लाभ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली जो मुनाफा नहीं लेता है वो परेशानियों में फंसेगा ही फंसेगा, वो आज नहीं तो कल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोटेक्निकल के आधार पर आप तक प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी नफा नुकसान या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ना चैनल की ना मेरी होगी। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले ऑप्शन का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी अवश्य राय कर लें। ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी होता है किसी भी फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना जब तक अपना नफा और नुकसान, नफा क्या है मत डिसाइड करिए, लेकिन नुकसान कितना उठाने की आपकी क्षमता है उसको जरूर निर्णय कर लीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। यदि आप वो कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये क्लियर जी? जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।